प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में वो सीबीआई का सामना करने को तैयार हैं। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन पर प्रधानमंत्री ने निराशा जताई और घरेलू राजनीति में नफरत फैलाने वाली ताकतों पर भी निशाना साधा। इससे दो दिन पहले कोयला ब्लॉक मामले में एसओचएम ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर अविश्वास का वातावरण दूर करने का आग्रह किया था। एसओचएम ने कहा कि उद्योगपतियों के खिलाफ आधी अधूरी जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करने से अविश्वास का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। यहाँ पहले चरण में 18 विधानसभा सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस ने भरोसा जताया कि अगले 10 दिनों में प्याज की कीमतें नियंत्रण में आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि नेफेड 29 अक्टूबर तक प्याज के आयात पर फैसला ले लेगा। दिल्ली में प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कर नासिक मंडी से सस्ता प्याज उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 5 दिन की यात्रा पर आज रवाना हुए। अपनी यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी पहले पेरू जाएंगे और फिर 29 अक्टूबर को क्यूबा पहुंचेंगे। शेयर बाजार में देखी गई गिरावट, आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 65 अंक की गिरावट के साथ 20,660 अंक पर आ गया। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक की गिरावट के साथ 6,138 अंक पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 61.55 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे के सुधार के साथ 61.46 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। जर्मनी के विदेश मंत्री ने अमेरिका के राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाकर उनसे चांसलर एंजेला मर्कल के मोबाइल फोन की जासूसी की खबर के बारे में बातचीत की। मर्कल ने भी कल इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को फोन कर तुरंत सफाई मांगी थी। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की आज पुण्यतिथि है। अपनी बेहतरीन शायरी से महफिल में जान डाल देने वाले लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के एक जमींदार घराने में हुआ था।